हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो फिल्मी तड़का और मैं दीक्षा ठाकुर। वेल, आज की हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे भाईजान के दुश्मनों के बारे में। कहते हैं सलमान खान अगर किसी से दोस्ती निभाते हैं तो उस पर अपना सब कुछ लुटा देते हैं, और अगर वो दुश्मनी निभाने पर आ जाएं तो उस शख्स की शक्ल को देखना पसंद नहीं करते। बॉलीवुड में कोई भी उनसे पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि भाई से दुश्मनी का खामियाजा उसे अपने करियर से चुकाना पड़ता है। तो चलिए फिर आज हम इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं जिन्होंने लिया है सलमान खान से पंगा, और उनको वो पंगा भी बहुत ही महंगा पड़ा है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है प्रियंका चोपड़ा का। सलमान खान इन दिनों अपने फिल्म भारत के प्रमोशन के दौरान प्रियंका चोपड़ा पर जमकर तंज कस रहे थे। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में प्रियंका चोपड़ा को लेकर काफी कुछ कहा, और उन्होंने इसके पीछे की वजह है प्रियंका चोपड़ा ने सलमान खान की फिल्म भारत को छोड़ना। एक इंटरव्यू में सलमान खान ने कहा था कि उस लड़की ने भारत को छोड़ बाहर शादी की है। हालांकि प्रियंका का इस पर कोई भी जवाब नहीं आया, लेकिन अब सलमान खान प्रियंका को कुछ खास पसंद नहीं करते। अब बात करते हैं विवेक ओबेरॉय की। वेल, विवेक ओबेरॉय के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। विवेक बीते दिनों ऐश्वर्या राय के साथ मीम को शेयर करके काफी सुर्खियों में आए थे। इस मीम में ऐश्वर्या के साथ सलमान खान भी दिखाई दे रहे थे। वैसे तो विवेक और सलमान खान के बीच दुश्मनी तो काफी पुरानी है, लेकिन दोनों के रिश्तों के बीच कड़वाहट तब शुरू हुई जब सलमान और ऐश्वर्या रिलेशन में थे। इसी दौरान विवेक ओबेरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि सलमान आधी रात को उन्हें फोन करके परेशान करते थे। दरअसल सलमान खान से अलग होने के बाद विवेक और ऐश्वर्या के बीच नजदीकियां काफी बढ़ गई। विवेक के इस तरह से मीडिया के सामने आने के बाद सलमान खान उनसे काफी नाराज हो गए, और विवेक को इसका खामियाजा अपने करियर से भुगतना पड़ा। अर्जुन कपूर और सलमान खान एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। इसकी शुरुआत तब हुई जब अर्जुन का नाम सलमान की भाभी मलाइका अरोड़ा के साथ जोड़ा गया। वेल, आपको बता दें कि सलमान की भाभी यानी कि एक्स भाभी मलाइका और अरबाज का डिवोर्स हो चुका है, और अब मलाइका अरोड़ा अर्जुन के साथ अपने रिश्ते को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती हैं, जिस बात से सलमान खान बिल्कुल नाखुश हैं और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद यही वजह है कि वो अर्जुन को कुछ खास पसंद नहीं करते। मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह भी सलमान खान के दुश्मनों के लिस्ट में है। ये विवाद एक अवार्ड शो के दौरान शुरू हुआ जब सलमान ने अरिजीत से कहा कि क्या आप सो रहे थे। अरिजीत ने पलट कर जवाब दिया, आप लोगों ने मुझे सुला दिया। अरिजीत का ये अंदाज सलमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उन्होंने अपने फिल्म सुल्तान से अरिजीत का गाना हटवा दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऋषि कपूर। वेल, आपको बता दें कि ऋषि कपूर जब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बॉलीवुड के चिंटू एक्टर यानी कि ऋषि कपूर भी अक्सर ट्विटर पर विवादों में रहते थे, जिसके कारण वो ट्रोल भी होते रहते थे। बता दें कि ऋषि कपूर से सलमान खान के नाराजगी की वजह ये है कि ऋषि ने सोनम की शादी में सलमान के छोटे भाई सोहेल खान की पत्नी से लड़ाई मोल ले ली थी, जिसके वजह से सलमान और ऋषि के बीच भी अनबन शुरू हो गई। लेकिन ऋषि कपूर के निधन के बाद सलमान ने ट्वीट करके इस बात को खत्म भी कर दिया था। वेल, ये तो आपने जाना कि इस इंडस्ट्री में कौन कौन ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने सलमान खान से पंगा लिया। भाई, इन्होंने तो पंगा लेकर अपने करियर को खराब तो कर ही लिया है, और सलमान खान भी अब इनको कुछ खास पसंद नहीं करते। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और जाते जाते हमारे पेज को लाइक करना मत भूलना। तब तक आप देखते रहें फिल्मी तड़का।